एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम केशलूर छत्तीसगढ़। अभी टाइम हो रहा है 7:25, छत पे आए हैं, थोड़ा ड्रोन उड़ाए। अब 8 बजे से चित्रकूट ओपन होता है और 6 बजे से तीरथगढ़। तो अभी पहले चित्रकूट जाएंगे जो यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर्स दूरी पे है। फिर उसके बाद, क्योंकि तीरथगढ़ ये जो रास्ता है दैट इज़ फॉर चित्रकूट एंड तीरथगढ़ इस साइड पे है, तो मैप में तो आप लोगों को बता ही दूंगा प्रॉपर लोकेशन एंड ऑल। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए इनका पार्किंग है ये, बट वही कि शेड नहीं है, बाइक वहीं पे खड़े हैं, वहाँ पे जीत है अगर दिखे तो। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं एंड निकलते हैं। तो कल रात जहाँ पे आए थे वहीं पे आए हैं खाना खाने, केशलूर ढाबा। तो एंड ऑब्वियसली जीत को तो अलग कुछ ऑर्डर करना ही है, तो उसने किया है अंडा पराठा। आलू पराठा सुने हैं, गोभी पराठा सुने हैं, अंडा पराठा इज़ ए न्यू थिंग एंड ओनली ही कैन ऑर्डर दैट। तो चलिए उसका भी आ जाए तो ऐड कर दूंगा। अभी खाना चालू करते हैं, फिर वहाँ पे रिसेप्शन पे हेलमेट रखा है लेके निकले। तो जैसा बता रहा था, ये आ गया है अंडा पराठा। आई थिंक इस पे अंदर अंडा स्टफिंग है, तो ऑब्वियसली कुछ यूनिक है। चलिए तो टाइम हो रहा है 8:42, थोड़ा लेट हो गया, 8 बजे निकलने का प्लान था। तो ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लेके अब निकल रहे हैं। यहाँ से 41 किलोमीटर है चित्रकूट। ये सामने होटल के भैया जा रहे हैं, वो बोले आपको बाईपास दिखा दूंगा। चलिए तो चलते हैं चित्रकूट। तो होटल के जो भैया सामने जा रहे थे, उन्होंने यही एक रास्ता हमें बताया कि सामने से लेफ्ट लेने की जगह अब यहीं से ले लो, एक ही रास्ता है। तो बस वही अंदर के गांव के रास्ते से जा रहे हैं। अभी चित्रकूट 38 किलोमीटर बता रहा है, तो रूट ठीक ही है। चलिए तो ये जो रास्ता है वो जा रहा है सीधा चित्रकूट। इसको चित्रकूट रोड भी बोलते हैं इस रास्ते को। तो मैप में अभी दिखा रहा है कि एकदम 24 किलोमीटर सीधा एंड वहीं पे जाके चित्रकूट वाटरफॉल। तो चलिए ये 24 किलोमीटर चलते हैं, फिर एकदम चित्रकूट पे बैठ के आप लोगों से बात होगा, नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया दिखाऊंगा। लेट्स गो। कुछ आई थिंक टिकट या पार्किंग ऐसा कुछ चार्ज वार्ज देने पड़ेंगे, तो दे देता है। दो पहिया 20 पर पीस। तो अगर बुकिंग मिलता तो इस साइड था रिजॉर्ट, दंदमी इको रिजॉर्ट, तो नहीं मिला, तो हम लोग चित्रकूट के साइड पे जाएंगे। वाहन पार्किंग यहीं पे है। तो चलिए तो पार्किंग करते हैं, फिर आप लोगों से बात होगा। आई थिंक बाइक का पार्किंग वही सामने होगा। तो
ये पीछे जो रास्ता है वहीं से चल के आना पड़ता है टूवर्ड्स चित्रकूट। तो ये पहला व्यू है आप लोगों को यहाँ से अगर दिखे तो, वरना सामने तो जाएंगे ही, उसमें क्या है। चलिए फिर सामने आगे बढ़ते हैं। जितने हेलमेट पकड़ा दिया है दोनों हाथों में, ठीक है, तो वो बात नहीं है। बात है वो नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया, दैट इज चित्रकूट वाटर फॉल्स, वो जो नदी का पानी गिर रहा है, दैट इज इंद्रावती रिवर। सो ये जो फॉल है, ये फॉल इज ऑफ आई थिंक 90 feet, एंड जो चौड़ा है, चौड़ा इज ऑफ 300 feet। तो आप समझ लीजिए कि बारिश में और ये बीच का भी जो है उसमें भी पानी आ जाता है। तो वहाँ पे इतना भीड़ था, क्लोज शॉट्स तो लिए, बात नहीं कर पाया। तो अभी वहाँ से नीचे जाने का नेचर ट्रेल है, देखिए अगर आप लोगों को दिख पाए, हिंदी में लिखा हुआ है। तो वहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाके फिर ड्रोन उड़ाएंगे, शॉट्स लेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। चलिए चलिए तो हो गया चित्रकूट घूमना। अभी हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स तीरथगढ़। 60 किलोमीटर्स का रास्ता है, अभी मैप लगाया नहीं है क्योंकि पता ही है सामने ही पूरा स्ट्रेट रास्ता है, जहाँ से आए थे वही है, होटल के सामने से ही निकलना है। तो चलिए
तो सुबह जो भैया ने रास्ता दिखा दिया था उससे फिर से आके हाई रोड पे आ गए हैं। ये तो होटल के ऊपर से ही जो रास्ता निकलता है, आप लोगों कल रात को ही दिखाया था कि उस साइड तीरथगढ़ है, तो वही चलेंगे अभी। और 22 किलोमीटर ही रास्ता बचा है, 22 किलोमीटर 33 मिनट्स। तो चलिए, बीच में एक रेल लाइन भी पड़ता है, क्या पता वो अगर क्लोज रहे तो और थोड़ा टाइम लगेगा, वरना रास्ता तो सही ही है। चलिए बाकी रास्ता चलते हैं। तो टाइम हो रहा है 1:12:59, 1 बज रहा है और बस 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। 24 मिनट लगेगा क्योंकि रास्ता थोड़ा पैचवर्क है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट तो ये जो है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ कैंगर वैली नेशनल पार्क। तो थोड़ी देर पहले ही चेक पोस्ट भी था, देखिए एकदम पतला वाला रास्ता हो गया है एंड एकदम जंगल के अंदर से। तो यही रास्ता और 7.8 किलोमीटर जाना है। जंगल पार चली है पता चला है, अरे चड्डी पान के फूल खिला है। तो ये देखिए, सो दैट इज कैंगर वैली नेशनल पार्क। तो हम लोग, सो दिस इज द एंट्री, आप यहाँ से टिकट विकेट खरीद के भी जा सकते हो। सो हम लोग यहाँ से राइट लेंगे दूसरी साइड पे, वहाँ पे जाएंगे तीरथगढ़। तो पहले जो रास्ता था वो मतलब हाईवे के पार्ट ही था, मतलब वहाँ से तो ट्रक्स एंड ऑल भी जा रहे हैं, बट ये जो लास्ट के 6 किलोमीटर है तीरथगढ़ वाटरफॉल तक, ये पूरा नेशनल फॉरेस्ट के अंदर है, मतलब वही कैंग। तो ये सामने कोई टिकट काउंटर है चित्रकूट के जैसे, तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। कितना भैया, दो बाइक का? हाँ, तो दोनों बाइक के 40 रुपये सेम एज चित्रकूट, तो वो लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तीरथगढ़ का पार्किंग है, बहुत लोग आए हैं, कितना गाड़ियां हैं देखिए। तो वही अब बाइक कहाँ पे पार्क करते हैं वही पूछना पड़ेगा। तो बाइक पार्किंग करने के बाद ये एक टिकट काउंटर है जहाँ पे वाटरफॉल के अंदर जाने का टिकट लेना है, तो वही आई थिंक 20-30 रुपीस पर पर्सन का ही चार्ज है। तो यहाँ से टिकट लेके फिर ही अब अंदर जा सकते हो। पानी बोतल एंड ऑल अलाउ नहीं है, आपको यहाँ पे एंट्री करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लेके जा सकते हो। टू प्रोटेक्ट नेचर वी शुड डू दैट। तो ये रहा तीरथगढ़ वाटरफॉल। तो ये डन तीरथगढ़ वाटरफॉल, और कहीं तो जाना है नहीं, तो अब सीधा होटल लौटेंगे और उससे पहले एक बार रिफ्यूल कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया लगा छत्तीसगढ़ का टूर, भगवान ने चाहा तो फिर से आऊँगा कभी। फ़िलहाल के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ छत्तीसगढ़
साइट सीइंग, अभी तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होना बाकी है। इसके लिए आप लोगों को और दो दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और भी दोनों दिन का ट्रिप हम लोग का बाकी है। तो चलिए फिर से ये कैंगर वैली नेशनल पार्क होते हुए हम लोग होटल आराध्या तक चलते हैं, फिर वहाँ जाके आप लोगों से बात होगा। अगला सोच रहे हैं कुछ खाना वाना तो खाना पड़ेगा, वो देखते हैं कहाँ खाएंगे। ज़्यादातर चांसेस तो है वही ढाबे में खा लेंगे। तो चलिए पेट्रोल भरवा लिए हैं, अभी बस सामने जो होटल है उस पे चले जाएंगे, दिख ही रहा है आज तो। चलिए तो होटल पे चलते हैं, होटल चल के कल सुबह निकलना है जल्दी। तो होटल चल के पहले करेंगे ल्यूब, फिर टायर का एयर प्रेशर चेक करेंगे, फिर नहाए धोएंगे एंड आप लोगों से बात होगा। तो चलिए फिलहाल होटल चलते हैं एंड देन गेट आवर बाइक्स प्रेप्ड। तो टाइम हो रहा है 5:20, लेट लंच ब्रंच जो भी कहे वही हो रहा है। तो सुबह से तो कुछ ऐसा खाया नहीं था, तो अभी यहीं हम लोग का एक ही डेस्टिनेशन है केशपुर ढाबा, तो वहीं पे आए हैं, खाना वाना खाएंगे फिर रूम जाएंगे। चलिए चलिए तो टाइम हो रहा है 6:12, अभी छत पे चढ़े हैं, यहाँ पे थोड़ा अड्डा मारे। आज तो फिर चित्रकूट हो गया, तीरथगढ़ हो गया, यहाँ पर और जो दो केव्स हैं, क्या नेम मुझे नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो दोनों केव्स में पानी भर गया है, तो यहाँ से लोकल कुछ ड्राइवर्स को भी पूछे, वो बोले कि नहीं वहाँ पे आप नहीं जा पाओगे, पानी भर गया है वहाँ पे नहीं जा सकते। तो यही दोनों घूमे, होपफुली सारे भयंकर ड्रोन शॉट्स और तीरथगढ़ के वीडियोज़ आपको अच्छे लगे हो। तो ये एपिसोड 3 का एंडिंग यहीं पर करते हैं, क्योंकि और दिखाने लायक कुछ है नहीं। बस शाम को वही ढाबा में जाऊंगा, थोड़ा खाना वाना खा के फिर सो जाऊंगा एंड कल एक अर्ली स्टार्ट है, क्योंकि कल एक दूसरा प्लान है जो अभी तक बताया है नहीं। तो कल 6:30 स्टार्ट कर देंगे। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो टाटा फ्रॉम केशलूर छत्तीसगढ़, फ्रॉम स्मोकी वंडरर, प्लीज़ सब्सक्राइब।